तरीके से सवाल पूछने का अधिकार है, जहां के विपक्ष का काम है सवाल पूछना। मजेदार बात यह है, 9 साल हो गया है, मुझे तो लगता है कि कोई प्रधानमंत्री जी को रिमाइंडर दे दे कि साहब आप दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं फुल मेजोरिटी से, अब लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह भाषण देना बंद कीजिए। अभी अभी मैं आपको बताता हूं, मेघालय का चुनाव हो रहा था, माननीय गृहमंत्री जी ने कहा कि मेघालय की सरकार भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है, दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार है, और एमएलए लेकर के उस सरकार में शामिल हो गए। ये क्या है? ये बेईमानी है, और मैं समझता हूं कि इस बेईमानी का विरोध करना एक जरूरी काम है। और जब मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, उसी वक्त जो है मुझे इसी गुजरात की कुछ घटना याद आती है। एक दौर में मैं स्मृति जी का बड़ा प्रशंसक हुआ करता था, नहीं वो सास बहू वाला नहीं, जब वो नेता थी, एक महिला नेत्री के तौर पे मैं उनका बड़ा प्रशंसक हुआ करता था। ये तो बड़ी हिम्मत की बात है ना भाई साहब, कि अपनी ही सरकार अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठ गए, ये तो हिम्मत की बात है ना, अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और मोदी जी आए थे गिलास में पानी पिलाने के लिए, वो वीडियो आप लोग देखे होंगे। मैं चाहता हूं कि इस देश में राजनीति की ये परंपरा कायम रहे कि लोग अपनी भी सरकार से सवाल पूछें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप स्मृति जी भी अब सवाल नहीं पूछती हैं, ना महंगाई पे सवाल पूछती हैं, ना महिला अत्याचार पे सवाल पूछती हैं, ना भ्रष्टाचार पे सवाल पूछती हैं। जब भी मीडिया में आती हैं तो प्रधानमंत्री जी का बचाव करने के लिए आती हैं। ये जो सब कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, इससे हम एक नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि इस देश में दो सोच का संघर्ष बनता जा रहा है। एक सोच है जो बदले की राजनीति करता है, बदले की भावना से कार्रवाई करता है, और दूसरी सोच वो है जो बदलाव की भावना से काम करना चाहता है। ये संघर्ष बदले की भावना और बदलाव की भावना के बीच है। मुझे अपना पक्ष पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश में हमेशा से बदलाव की भावना की समर्थक रही है। अभी गृह मंत्री जी का भाषण सुन रहा था, गृह मंत्री जी ने कहा कि हमारे खिलाफ एजेंसी का दुरुपयोग हुआ था, तो क्या आप बदला ले रहे हैं? आप खुद ये स्वीकार करते हैं कि आप जो है एजेंसी का दुरुपयोग करके बदला ले रहे हैं? तो याद रखिएगा साहब, नदी का पानी ठहरता नहीं है, समंदर की लहरें रुकती नहीं है, और इस देश से आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, लोकतंत्र नहीं जाने वाला है। इस देश को कभी भी किसी ने भी तलवार के दम पे शासन नहीं कर पाया है, छल से, कपट से, झूठ बोल करके, क्योंकि भारत के लोग भावुक होते हैं, यह भावना प्रधान देश है। और आपकी भावुकता में भी हम आए, हमको भरोसा हुआ कि एक गरीब का बच्चा जब देश का प्रधानमंत्री बनेगा ना साहब, तो गरीबों का भला होगा। हमको नहीं मालूम था कि जिस स्टेशन पर आप चाय बेचने का दावा करते हैं, उसी स्टेशन को आप बेच दीजिएगा। हमको नहीं मालूम था कि जिस गरीबी की आप बात करते हैं, उस गरीबी के हक में बोलने वाले लोगों को आप जेलों में ठूस देंगे। हमको नहीं मालूम था कि आपको लोगों ने वोट दिया कि आप हर साल लोगों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। नहीं मालूम था कि रोजगार का सवाल उठाने वाले विपक्ष के सबसे बड़े नेता का आप सांसदी छीन लेंगे। जिस आनंद फानन में यह कार्रवाई हुई है, किसी को भी समझने में ये कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूं ऑफ कैमरा ना किसी बीजेपी के नेता को भी पूछ लीजिएगा, तो वो कह देगा आपको कि नहीं नहीं ये तो गलत हुआ है, ठीक नहीं हुआ है। कि क्या इस देश को गांधी ने जान गंवा करके, सरदार पटेल ने जो है अपनी जिंदगी कुर्बान करके, भगत सिंह फांसी के झूले पे चढ़ करके इसलिए हमारे हाथ में सौंपा है कि हम देश की भक्ति करते करते प्रधानमंत्री के दोस्त की भक्ति करने लगेंगे, उसकी चोरी और उसकी बेईमानी को सही साबित करने लगेंगे, और जब उस पर सवाल पूछा जाएगा तो प्रश्न का जवाब देने की बजाय आप इधर उधर की बात करेंगे। विपक्ष कह रहा है जेपीसी जेपीसी, बीजेपी कह रही है ओबीसी ओबीसी। बताइए ओबीसी कहां से आ गया?
मैं एक प्रश्न आप सब लोगों से पूछता हूं कि जब हम लोग बोलते हैं और साफ साफ बोलते हैं, कोई घुमा फिरा करके नहीं बोल रहे हैं, हमारी किसी भी बात में या हमारे नेता के राहुल गांधी के किसी भी बात में किसी भी समाज के लिए कोई अपमानित भाषा नहीं होती है, कोई अपमानित भाषा नहीं है। लेकिन यह मुद्दा क्यों उछाला गया है? क्योंकि यह पुरानी आदत है। जब भी आप लोगों के रोजी रोटी नौकरी से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे तो ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी ना किसी के पीछे जाकर के छुप जाते हैं। याद कीजिए, जब 14 में देश में सरकार बदली तो राष्ट्र का नाम लिया जा रहा था, राष्ट्रवाद का नाम लिया जा रहा था। अरे साहब, ये कौन सा राष्ट्रवाद है जिसमें आप राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहे हैं? हम रेलवे बेच दें देश की राष्ट्रीय संपत्ति को और कहें कि यह राष्ट्रवाद है? बताइए, ये कौन सा राष्ट्रवाद है जिसमें राष्ट्रीय संपत्ति बेची जा रही है? ये जिसका नाम लेते हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जिसके पीछे छुपते हैं, सबसे ज्यादा उसी का नुकसान करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। सेना सेना कहना शुरू किया। 2019 के चुनाव से पहले भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे थे कि जब से भाजपा की सरकार आई है आतंकवादी घटना बंद हो गई है। याद मैं दिलाता हूं आपको, पुलवामा में आतंकवादी घटना हुआ, जो यह दावा कर रहे थे कि आतंकवादी घटना बंद हो गया है, 2019 में आतंकवादी घटना के नाम पे ही वोट मांगना शुरू कर दिया। जब भारतीय सेना का नाम लिया तो इस देश के आम नौजवान जो हैं, उन आम नौजवानों के अंदर एक सपना होता है, हमारे घर से हमारे परिवार से 16 लोग जो है सिक्योरिटी फोर्सेज की नौकरी करते हैं, हमारे पास क्या विकल्प है? हम दौड़ते हैं और अपनी क्षमता के हिसाब से मेहनत करते हैं और इस देश की आर्म फोर्सेस में जाकर के मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। उसमें क्या किया इन्होंने, वो अग्निवीर लेकर के आ गए। राहुल गांधी से इनको दिक्कत इस बात की है कि देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हैं। याद कीजिए, जब अग्निवीर का भी मुद्दा आया था, राहुल जी ने कहा कि ये हमारी सेना को कमजोर करने की साजिश है, साफ साफ शब्दों में कहा। और मैं तो खास करके जो है इस देश की सरकार को बधाई देना चाहता हूं, अग्निवीर का पहला बैच अभी नहीं आया है, लेकिन राहुल गांधी जी को इन्होंने पहला अग्निवीर सांसद बना दिया है। इसके लिए मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं।